वाह वाह वाह, वो भी क्या ज़माना था जब रेडियो हमारे घर में एकदम सुप्रीम था। जब सुबह से शाम तक लोग रेडियो सुनते थे और जो रेडियो में आने वाली एड्स थी वो तो बिल्कुल कमाल थी। जितनी क्रिएटिविटी उन एड्स में थी, मुझे नहीं लगता कि वो क्रिएटिविटी उसके बाद कभी अचीव हुई। एक तो हमारे वो क्या नाम है उनका, अमीन सयानी साहब, उस समय बहुत ज़्यादा अमीन सयानी साहब मशहूर थे। उनका जो एक अंदाज़े बयां था, बहनों भाइयों, ये है आपका अपना दोस्त अमीन सयानी, ऐसा लगता था कि जब वो ये बोल रहे हैं तो वो भी साथ साथ मुस्कुरा रहे हैं, आपका अपना दोस्त अमीन सयानी। और अमीन सयानी साहब का इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, अंदाज़ मशहूर हो गया था कि जो छोटे मोटे रेडियो अनाउंसर्स थे वो भी उनको कॉपी करते थे। उनमें से एक जो अनाउंसर था वो आता था मोदी के मतवाले राही, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, तो उसमें, और वो एंड में हमेशा ऐसा कहता था कि वैसे तो हम भी बड़े चुलबुले हैं और एंड में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि टाटा बाय बाय और गुडलू। तो ये गुडलू और टाटा बाय बाय का जो तरीका था, वो जो भी वो अनाउंसर थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, वो डायरेक्ट अमीन सयानी साहब से कॉपी था। जो उस ज़माने की रेडियो एड्स थी वो बहुत ही कमाल की थी। अब मतलब मैं अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको अपने आप ही याद आ जाएंगी। जैसे कि एक थी, जल गया आमलेट हुआ दफ्तर को लेट, ब्लैक डायमंड ला दो ना, ब्लैक डायमंड नॉन स्टिक किचन वेयर। उसके बाद टिंग टोंग, और फिर आता था हॉकिंस की सीटी बजी, खुशबू ही खुशबू उड़ी, मज़ेदार लज्जतदार खाना है तैयार, हाँ जी खाना है तैयार, मुर्ग मुसल्लम टमेटो सूप मटर पुलाव माँ की दाल खीर और दम आलू, हर व्यंजन स्वादिष्ट बनाए मिनटों में झटपट पकाए, हॉकिंस 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 प्रेशर कुकर। टिंग टोंग, एक प्रेशर कुकर चाहिए? पहले ये तो बताइए कि आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब है मतलब है, अगर आप अपनी बीवी से थोड़ा सा प्यार करते हैं तो कोई भी चलेगा प्रेशर कुकर, लेकिन अगर अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है इनकी जान तो प्रेस्टीज ही लीजिए श्रीमान। प्रेस्टीज, जो बीवी से सचमुच करते हैं प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार। टिंग टोंग, लद्दी जा माल, ए टी टी आई दे पटे कमानिया लाए होए ने ता, फिर लद्दी जा। टिंग टोंग, पटेल रोडवेज पटेल रोडवेज, कंगारू है निशानी अरे जानी और पहचानी, पटेल रोडवेज पटेल रोडवेज। टिंग टोंग, देखो देखो बारात के साथ दूल्हा भी नाच रहा है, ये कमाल है शिव मोहन बैंड का। टैं 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 टौं 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 टौं, टिंग 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 टौं टौं टौं, टिंग टिंग टिंग, शिव मोहन बैंड। टिंग टोंग, बॉबी साबुन द कीपा, ये वाला एड क्या था, हाँ, तेर कपड़े मिनटाच साफ, ऐ कमाल है मेरी बिल्लो दा नहीं बाबी साबण दा, ते ऐ दशा बाबी साबण दा की पा, बॉबी बॉबी साबण दा की पा, सुन मेरी ये बिल्लो बॉबी 5 रुपए किलो। टिंग टोंग, कपड़ों की बीन, मैले कपड़ों की बीन बजे, मैले कपड़े चल पड़े साफ होने को, ये है फरिश्ता का कमाल, कर दिया कपड़ों को सफेदी से माला माल। MEC टिंग टोंग, मतलब बीच में सॉरी ब्रेक, ए सब कुछ मैक द, MEC मैक, मैक द टीवी मैक द रेफ्रिजरेटर सभी कुछ मैक द, भाई वाह। टिंग टोंग, गांव से खालिस घी मंगाते थे, मोहन घी खाया तो ऐसा शुद्ध कि गांव से नाता ही टूट गया, ए जी मोहन घी लेते आइएगा, ये घर में बनी घी जैसा शुद्ध होता है, शुद्ध घी मोहन घी। टिंग टोंग, सुनिए लड़के के माँ बाप आए हैं, लड़की के माँ बाप आए हैं, नहीं लड़के के माँ बाप आए हैं, लड़के के माँ बाप आए हैं, घबराइए मत, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत आप पान पराग से करें। ओ पान पराग, हमें क्या पता आप भी पान पराग के शौकीन हैं, पान पराग पान पराग पान मसाला पान पराग। टिंग टोंग, इससे ज़्यादा मुझे इस समय याद नहीं आ रहे, कोई और अगर याद आएंगे इसके अलावा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वैसे ये रेडियो की गोल्डन एज थी, और एक के बाद एक जो ये रेडियो स्पॉट्स थे ये उसमें आते थे, और बहुत सारों में तो ऐसे जिंगल्स होते थे और वो जिंगल्स बहुत समय तक याद आ जाते थे। एक जिंगल जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है,
जो उसके बाद में कभी कोई उसका मुझे टीवी से नहीं मिला यूट्यूब पर भी, वो कैंपा को लगा था। और वो ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजी में आता था, लाइफ इज फुल इट्स फुल ऑफ कैंपा कोला टाइम्स, मुझे इतना ही याद है ये वाला। इसके आगे क्या था ये मुझे याद नहीं है। एक और बहुत अच्छा था बोनवीटा का, एट स्कूल एंड प्ले, एट स्कूल एंड प्ले, देयर्स एनर्जी इन बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन बोनवीटा। तो ये बोनवीटा क्विज कॉन्टेस्ट से पहले खास कर आता था और वैसे भी आता था बहुत बार। तो ये कुछ चुनिंदा रेडियो एड्स थे जो मुझे याद हैं, जो मुझे कभी भूल नहीं सकते, वो इतनी बार मैंने सुने हैं। इसके अलावा अमीन सयानी साहब फिल्मों की प्रमोशन भी बहुत करते थे, और कोई भी ऐसी फिल्म हो, आ रही है अगले हफ्ते बहनों भाइयों जंजीर, या आ रही है अगले हफ्ते बहनों भाइयों मुकद्दर का सिकंदर, और वो ये कहा करते थे अमीन सयानी साहब, मतलब अभी भी जिंदा हैं, कि वो बहनों को हमेशा आगे रखते थे, इसलिए बहनों भाइयों कहते थे हमेशा। तो इतना मुझे अभी इतना ही याद है, फिर कभी मुझे याद हुआ तो मैं आपको वीडियो माध्यम के ज़रिए मैं आप तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और आपका संडे शुभ बीते, ऐसी मेरी मंगल कामना है।